नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा, आप देख रहे हैं इनू जंपी। स्वागत है आप सबका इनू जंपी में। आज हम पहुंचे हैं सीधी जिले की सोन नदी, जहां पे ये सीधी और चुरहट विधानसभा क्षेत्र का बॉर्डर है। ये सोन नदी का कोलदा घाट है और आज यहां से बीजेपी के विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला और उनके सुपुत्र राजनीतिक उत्तराधिकारी गुरदत्त शरण शुक्ल मारित के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में भारी संख्या में श्रद्धालु यहां से जल लेकर के और शिव मंदिर बढ़ौरा पहुंचेंगे, जहां पे जलाभिषेक कर रहेंगे। और ये चुरहट और सीधी विधानसभा क्षेत्र का एक बॉर्डर भी है, इधर से भी लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और चुरहट विधानसभा क्षेत्र से भी लोग आ रहे हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि लोगों से ही सीधे रूबरू होते हैं कि इस जलाभिषेक को लेके, आस्था को लेके क्या इसका महत्व है, क्या इसका कारण है, क्यों आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बढ़ौरा जा रहे हैं शंकर जी को नहलाने। गुरुदत्त शरण शुक्ला मालिक के नेतृत्व में ये हुआ था कि 2 तारीख को देवघटा में होगा, 5 को चदरेह में होगा, जो शंकर जी का पुराना शिव मंदिर है, और आज के लिए 10 तारीख को बढ़ौरा के लिए हुआ था। तो हम लोग उन्हीं के नेतृत्व में बढ़ौरा जा रहे हैं। यहाँ से जल, सोन नदी से जल लेंगे और यहाँ से पैदल बढ़ौरा जाएंगे। ये तो ठीक है, जल लेंगे, जलाभिषेक करेंगे, तो एक तो धार्मिक यात्रा कह लेते हैं, आस्था कह लेते हैं, लेकिन ये जहाँ खड़े हैं ये सीधी और चुरहट विधानसभा क्षेत्र का भी बॉर्डर है। तो अब चुरहट से इतर सीधी विधानसभा कैसे? ये वैसे आज ये राजनैतिक कार्यक्रम नहीं है, ये शंकर जी का कार्यक्रम है। हालांकि ये राजनैतिक वो हो जाएगा, हम लोग जो सीधी जिले के लोग हैं, मुख्य रूप से मेरा घर चुरहट विधानसभा में आता है, पर जो हम लोगों के नेतृत्व करता है, जो हम लोग राजनीति में जिनको ये मानते हैं कि सीधी जिले की जनता सुरक्षित है जिनके माध्यम से, वो केदारनाथ शुक्ला को ही मानते हैं, जो सीधी के वर्तमान विधायक हैं केदारनाथ शुक्ला जी को ही हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों को सुरक्षा और सम्मान की दृष्टि से, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। क्यों आप लोग भी जत्थे में शामिल हैं? क्या कहेंगे? नहीं, नहीं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इस यात्रा को लेके? नहीं, शामिल है हम बढ़ौरा ना मंदिर में जल लिए जा रहे हैं और विधानसभा हम लोग हैं और ये ओ नदी के पास हम लोग जल ले और बढ़ौरा ना जल भी अरने लिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस जलाभिषेक को लेके? जल अभिषेक के ये कोई राजनीतिक कारण नहीं है, ये एक शंकर जी के प्राचीन मंदिर है हमारे बढ़ौरा नाथ की, और उन्हीं के दर्शन करने के लिए ये गुरुदत्त शरण के अगुवाई में जा रहे हैं हम। आपने कहा कि राजनीतिक कारण नहीं है, धार्मिक कारण, ठीक है, हम आपके मान लेते हैं, धार्मिक कारण ही मान लेते हैं, लेकिन धार्मिक तो आस्था तो अपनी अपनी होती, आप अलग से भी आ सकते थे, या जो उनके जनसैलाब जो है उनके साथ जो भारी संख्या में लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, तो आप चुरहट से इधर क्यों आए, क्या कारण है? कहीं ना कहीं तो देखिए दूषित तो हैं आप लोग। नहीं, दूषित नहीं है, कारण ये है कि एक अपना मानवता हो जाता है, एक साथी हो जाते हैं और एक कार्यकर्ता के हैसियत से हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग चुरहट और सीधी की राजनीति से प्रेरित हैं? कहीं ना कहीं चुरहट और राजनीति प्रेरित ये नहीं है, प्रेरित ये है कि अपना एक लगाव हो जाता है, किसी से लगाव हो गया हमारा, ये मंदिर जो है बढ़ौरा नाथ की, एक तो भोलेनाथ से लगाव हो गया, एक माननीय गुरुदत्त शरण जी से लगाव हो गया, ये सब। ये जो आज का जलाभिषेक है, जलाभिषेक कार्यक्रम में एक छोटे से इनको क्या हम संज्ञा दें तो आप खुद समझ सकते हैं, पर इनका जो भारतीय परिधान है, ये भारतीय परिधान में जिस बालक ने जो जलाभिषेक का ठाना है, जलाभिषेक करने जा रहा है, थोड़ा सा इसे बात करते हैं इस बालक से कि कैसी आस्था, क्या कहेंगे बेटा इस पूरे कार्यक्रम को लेके? हम केदार भैया के साथ जलाभिषेक में जा रहे हैं और गुरुदत्त शरण शुक्ला भैया के साथ जा रहे हैं जलाभिषेक में। तो ये कैसे आपने ठाना, ऐसा क्यों, ये भारतीय परिधान को लेके कैसे? हमने संस्कृत विद्यालय में पढ़ते हैं इसलिए ड्रेस वहाँ का यही लगता है। हाँ, सबका मालिक एक होता है। वो कैसे? भोलेनाथ के पास सबका मालिक है। तो चलिए ठीक है, एक तरफ आस्था दूसरी तरफ राजनीति, तो चलिए सीधे चलते हैं बढ़ौरा शिव मंदिर की ओर, कुछ करते हैं और बढ़ौरा शिव मंदिर में जलाभिषेक का दृश्य देखते हैं और वहाँ के नज़ारा सिर्फ आपको दिखाते हैं, दर्शकों दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं जलाभिषेक के लिए बढ़ौरा शिव मंदिर।
पड़े हैं बरौड़ा नाथ मंदिर में, जहां श्री गुरुदत्त शरण शुक्ला के मार्गदर्शन में हजारों भक्तजनों की भीड़ लगी है। आइए हम श्री गुरुदत्त शरण शुक्ला जी से जानते हैं कि उनको ये जनता का प्यार कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव पांडे जी। सबसे पहले तो भगवान बढ़ौरा नाथ की कृपा हम सब पर, आप सब पर बनी रहे, ये ईश्वर से कामना है। आज हम लोगों ने जो जलाभिषेक का कार्यक्रम किया है, पिछली वर्ष भी हम लोगों ने इसी तरह से किया था, आज पुनः हम इस बार जलाभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारी ये कामना है भगवान बढ़ौरा नाथ से कि हमारे सीधी जिले में जो सूखे की स्थिति निर्मित हो रही है, जो जलवृष्टि नहीं हो रही है, तो भगवान से प्रार्थना है सावन और अषाढ़ तो नहीं बरसे, लेकिन अब भादव ऐसा बरसे कि सावन और अषाढ़ की भरपूर भरपाई हो सके। हम सब की यही कामना है कि सीधी बहुत ज्यादा आगे जाए, दिन दोगुनी चार तरक्की करे। धन्यवाद। आइए हम बात करते हैं स्वयं सीधी विधायक श्री केदारनाथ शुक्ल जी से कि उनका क्या कहना है इस धर्म यात्रा के बारे में। हर हर महादेव। आज भगवान शंकर का रुद्राभिषेक था, सोन के जल से रुद्राभिषेक था, और हम लोगों को अभी अभी खबर मिली है कि हम मझौली का नगर परिषद का चुनाव भी जीत गए हैं, वो भी शंकर प्रसाद गुप्ता जी, जो भगवान शंकर के नाम के हैं। और मुझे तो भगवान शंकर ने जन्मना केदारनाथ नाम दे दिया है, और इस तरह से भगवान शंकर की पूजा जिस जनपद में भी फलवती हुई, नगर पालिका मझौली में भी फलवती हुई, भगवान शंकर का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान शंकर की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव।